प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार प्रसार के लिए देवास जिले के लिए अधिकृत रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के फसल बीमा रथ को कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप संचालक कृषि आरपी कनेरिया, कृषि विभाग के अधिकारी एवं इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर गुप्ता ने किसानों से अपील की है कि जिले में अधिसूचित गेहूँ, सिंचित और चना फसलों की बुआई, असफल अंकुरण जोखिम और खड़ी फसल में होने वाले नुकसान जैसे सूखा, शुष्क स्थिति, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, जल भराव, कीटों एवं रोगों से होने वाले नुकसान का मुआवजा के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसंबर से पहले फसल बीमा अवश्य कराए। किसान गेहूं की फसल के लिए 600 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं चना फसल के लिए 465 रुपए प्रति हेक्टेयर देकर अपनी फसल का बीमा कराए। ऋणी एवं अऋणी कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति, जन सेवा केंद्र, CSC, भारतीय डाक सेवा केंद्र से अपना फसल बीमा करा सकते हैं। गैर ऋणी कृषक द्वारा फसल बीमा कराने के लिए अपना आधार कार्ड, भू अभिलेख, पुस्तिका, बुआई प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। इसमें किसान भाइयों की रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम ली जाती है। यदि किसानों को प्राकृतिक आपदा आती है, नुकसान आती है, तो उसकी भरपाई ये कंपनी द्वारा की जाती है। तो ये अभी गाड़ी प्रचार के लिए पूरे जिले में घूमेंगी कि आप किसान भाई अपना फसल बीमा कराएं। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है बीमा कराने की, तो इसका प्रचार प्रसार करेगी कि किसान भाई अपने आधार से बीमा कराएं, जिससे अपने जोखिम कम किया सके। कितने वाहन और कब तक घूमेंगे ये वाहन? करीब 10 दिन घूमेंगे अभी, और कितने दिन? 1 महीने घूमेंगे जिले में। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।